इसको पियो रही है इस अभी इसको लगे हम शहद ल जाने जा रहे थे और तू ये दूध पिला रही है दूध खराबी करता है अभी मत पिलाइए ला भाई एकरा उठा के जरा पिया दहिए कहला 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 चुप प्रणाम दीदी प्रणाम दीदी का कहे दीदी ओहो ये बच्चा बाड़ी भूखा रोई थे दीदी बच्चा को शहद नहीं पिलाइए तो बाड़ी रोई थे भूखा देरी से उसको माँ के दूध की जरूरत है माँ को दूध दीजिए माँ के दूध अभी तुरंत कैसे दे दी दीदी नहीं दीदी अभी तुरंत आप माँ का दूध नहीं पिलाइएगा पहला गाढ़ा पिला दूध तो माँ का दूध जल्दी नहीं उतरेगा ना दीदी उ सब गरम पानी से धो के खराब रहा है उ सब हटा देवे ला रहा है नहीं दीदी बात आप बच्चा कमजोर हो जाएगा दीदी बच्चे की माँ जो है वो दूध पिलाना चाह रही है ना तो वो अच्छा काम कर रही है उनको पिलाने दीजिए वही गाढ़ा पीला दूध जो पिएगा बच्चा उनको हाँ। ताकत मिलेगा हाँ। उससे बीमारियों से लड़ने का शक्ति मिलता है ओ, दीदी, तो क्या भाई से बतावा दीदी हमने ना पहले इससे ना हमने पहले का दूध पहले पियावा हाली हमरो बाल बच्चा होले हम ना इससे पियावा हाली तो वही से कहा हाली ना किसे ना पियावा हम लौलिए हलसा हम कल यही बाबू के थोड़े थोड़े मुहमा में दे भाई रोई था देरी हो गला भूखा ले से रोई था अब कहला है तब वैसे पियावते हो हरज ना करता ना दीदी हरज नहीं करेगा उससे फायदा होगा माँ का पहला दीदी पहला गाढ़ा दूध बच्चा को पहले थी छा स्तन पोछ के और बच्चा को थी माँ के स्तन में लगाना चाहिए हाँ कहे दीदी कि खास गाढ़ा पीला जो दूध है हाँ। जे बच्चा पीता है तो समझिए दीदी कि पहला वो टीका हो गया अच्छा। बीमारी से लड़ने के उसको ताकत मिलता है उसको बीमारी दूर करने से पहला टीका यही हो गया पहला टीका यही है ना जानी हमने सब पहले दीदी अब इस सब तोहनी बतावे लगला है ना तब हमने के जानकारी होल कि पहल का दूध बच्चा के पीवल जाए हाँ दीदी ना पहले हमने ना जानी हमने अपन बाल बच्चा के भी ना पियौली है और जे हमने कैले ही वही ना सिखेबे बेटी पुतू के तब इस सब सरकार चलेल थी जानकारी होले तब वैसे ही करबे हाँ, जब जकरा से फायदा है वो कैसे मैंने हाँ बहुत अथी वही टीका हो जाए बच्चा के लड़े के शक्ति पहला टीका वही है गाढ़ा पीला दूध उसको से लड़ने के शक्ति ओकरा से रहता है दीदी उसको मत फेंकिए बच्चा है ना दीदी की जैसे रात के मैंने एक बार पिया ला लिए और रात के फिर बच्चा के उसको उठा के देखे ना किए लेकिन बार बार उसको थी उसको बार बार आस्तन में हम लगावेंगे उसको असकती ना करेंगे हम कि हाँ उठ के बैठ के पिलावेंगे इस तरह से बच्चा को इस तरह से हम उठा के पिलावेंगे कि वो बच्चा के ये देखेंगे कि आस्तन में मनो किस तरह से है बच्चा के मुंह में है आथी हो रहा है कि हाँ, ना हाँ, हाँ. ना कि पंखा चला रहे हैं हम सूत के मस्ती से दूध पिला रहे हैं वो भी ना करना कहे कि दूध है ना से बच्चा के नाक बहुत अथी सड़क जाता है बहुत दी अथी होता ना दीदी हम रात भर जागले रहे और देखा ही कि हाँ अभी दुख दर्द में जरी हाथी पहला डिलीवरी नहीं दीदी इसीलिए हाँ से तोरा ज्यादा ध्यान देवे पर माए के दूध भी होना ना हो तो दीदी तो बाहरी दूध माए की पिलाई है और फिर वही बच्चा वही बच्चा पी तो सिर्फ छह महीना तक ला पानी उनी कुछ भी ना दी है पानियो ना ना पानियो नहीं ना समझ जा कि लहर चली थी तो ओकरा पानी दिए माए के दूध में सब मिल तो सब प्रोटीन माए के दूध में है सब पानी उनी सब एकदम छह महीना तक एकदम ना पानी दे घर सब कहता थू ना कि जरा रोय था मैंने और सब घर के बचपन के देखा ही हमारे तो अभी तनी गो है ये हवा और जलम्बे कर लो है तब जैसे बतावे था वैसे वैसे कारवाई ना दीदी देखो ऐसी पानी हो हॉस्पिटल से ले ना दीदी 48 घंटा ना स्नान ना करावे के रहे बच्चा के ना ज्यादा तो राकबक लगी था वा हाँ, हाँ। तो सब सूती कपड़ा से भिंगा के और बच्चा किस तरह से ऐसे पोछ दा और पाउडर लगा दा हॉस्पिटल में से जाता थी डिलीवरी होली एकदम तू भुलाल है दीदी कहां पहले के सोची थे बात है एकदम बच्चा के कपड़ा से पोछे से पवित्र हो जाता हाँ दीदी पवित्र हो जाता पानी से नहा देबे दीदी जे तू तोरा ममता लागी था ना दीदी हाँ। कि हम बच्चा के पोछे अथि नहा दिया हाँ। लेकिन बहुत बीमारी हो तो दौड़ल चलबे यहाँ से वहाँ लेके बैठा दीदी
बैठा बैठा बड़ी देरी से तो खड़े हाथ दीदी बताओ है इतना को करे पर ऐसे जरा बताओ भारे हम तो पहले जैसे पहले के युग जमाना में हो वालो ऐसे कार्य दे हलिया तब तो नहीं बतावे था बातियों तो मोने साफ कपड़ा हवा ने दीदी एक से पानी से भिंगाला चाहे गर्म पानी भी रहो तो भिंगाला एक दम गार के इस तरह से दम एक पानी के चुआ दा अच्छा और पानी चुआला के बाद तो दीदी इस तरह हम बच्चा के अपना गोद में लेंगे बच्चा के धीरे धीरे ऐसी तरह इन के हम बच्चा के लगा दी कहे ना दीदी कि बच्चा के जे सब अथी नहीं तरह से कहती ना कि अथी अथी जोर रहा ना बच्चा के कवच है तो उसको धीरे धीरे अपने खत्म हो जाएगा ना दीदी नाजुक बच्चा ना दीदी तो बच्चा को उसको धीरे धीरे दम ऐसे की ना कि हम लगा के दम ऐसे ऐसे करके हम इसको अच्छा से हम पोछ दिए दीदी आ रहे हैं दीदी तुरंत आ रहे हैं ठीक है आ रहे हैं तुरंत आ रहे हैं जा रहे हैं दीदी डिलीवरी के लिए फोन आ गया हम जा रहे हैं दीदी तो जरूरी है बता दोसर दीदी के भेज दिया है बधाई हो दीदी आपको घर में बच्चा जन्म लिया है मिठाई खिलाइएगा हाँ दीदी मिठाई खिया वो बैठा बैठा दीदी बैठा ठीक है बैठते हैं बैठ जा हाँ बैठा ना दीदी ये बच्चा को घरे रखे दीदी इसको ढक के रखिए छोटा बच्चा ना इसको ठंड लग जाएगा घर रहे दीदी हाँ ना इसके झाक के रखिए एकदम लपेट के रखिए हम लपेटने के लिए बताते हैं अच्छा बताओ तो कैसे बताओ दीदी इतना इसे तो झाका ही था बच्चा के थोड़ा सा उस साइड कीजिए तो देखिए इस तरह से हम छोटा कम्बल लेंगे और खूब अच्छा मतलब प्लेन जगह होना चाहिए ताकि बच्चा को नीचे कुछ गड़े नहीं इसको एकदम बराबर होना चाहिए और इसको अच्छा तरह से कम्बल को हम बिछावेंगे पहले चा, और चा, चा. कमल का चार भाग रहता है ना उसको एक भाग हम ऐसे मोड़ेंगे अच्छा, पहले एक कोना को मोड़ेंगे अच्छा तरह से अच्छा, इसके बाद में हम इसके अंदर एक सूती कपड़ा भी रहना चाहिए बच्चा अच्छा, के ताकि ना कि खाली कमले में हम लपेटेंगे इसको हटा देंगे देखिए दीदी हम ऐसे देखिए इसको अंदर हम कपड़ा भी एक दे दिए अच्छा, अच्छा, और इस कपड़ा कैसे मोड़िए कपड़ा दे दिए और देखिए बीचे बीच रखे हैं जो जो भाग मोड़े हैं उसको बीच में रखे हैं ठीक है इसके भाग बाद में हम पहले इसको इस तरह से टोपा पहलाएंगे अच्छा ठीक है ना दीदी इसके बाद इधर का भाग दाहिने साइड या बावा साइड कोई भाग मोड़ सकते हैं पहले अच्छा, इसके बाद ऐसे नीचे का भाग पहले मोड़ेंगे अच्छा इस तरह अच्छा देख लिए ना एकदम ताकि इसको मुंह तक पहुंच जाए देख रहे हैं हाँ दीदी इस तरह फिर इस ये वाला भाग को हम इस तरफ मोड़ेंगे अच्छा देख रहे हैं ना हाँ। इस इधर से हवा नहीं ना जा रहा ना, ना, ना। उसके बाद में फिर हम ये वाला भाग मोड़ेंगे अच्छा दीदी देख लिए हाँ। ठीक है हाँ। इसके बाद में हम बच्चा को अपने गोद में उठाएंगे अच्छा। इसमें देखिए किधर से हवा जा रहा है दीदी ना दीदी ना हवा तो ना जाए थे नहीं माथा से हवा जा रहा है और नहीं नीचे से हवा जा रहा नहीं बगल से हवा जा रहा इस बच्चे को ठंड लगेगा ना दीदी इसके बाद में हम अच्छे तरह से लेंगे और माँ को सीने से लगाएंगे अच्छा, उनको अच्छा। सीना मतलब कि स्तन पान करवाइए उनको लेटने रहने दीजिए आराम की उनको जरूरत है अच्छा दीदी स्तन से निकालिए ना उनको और इनको स्तन से एकदम ढके ढके लगाना है अच्छा अच्छा देखिए दीदी इस बच्चे को ठंड लग रहा ना ना अब ऐसी हम मोड़ गई दीदी हाँ इसी तरह से अच्छा इसी बच्चे को मोड़ना है ऐसी कपड़वा मोड़ के हम बाबू हाँ अब ताकि मतलब ऊपर से भी ढक दीजिए अच्छा अच्छा कि किसी तरह से ठंड नहीं लगे हाँ। इसका 42 दिन तक हम लोग का होता है कि 42 दिन तक इसी तरह से रखना है बच्चों को पहले हम बच्चा को पकड़ेंगे दीदी तो पहले हम अपना हाथ साफ कर लेंगे साबुन से अच्छी तरह से हाथ साफ कर लेंगे इसके बाद में हम बच्चा को पकड़ेंगे ताकि अच्छा, बच्चा को इन्फेक्शन ना लगे ओ, हाथ धो ले भी साबुन से दीदी साबुन से हाथ धोना है
इसके बाद में बच्चा को इस तरह से ढके हुए ले लेना है। बच्चे की कंगारू देखभाल, कंगारू मदर को देखें अपने बच्चा को हमेशा सीने से ही चिपका कर रखता है। अच्छा, इसको ढकते हुए भर में और एकदम ऐसे चिपका करके रखता है और बच्चा का तापमान अच्छा रहता है और 98 डिग्री फारेनहाइट नीचे रहता है तो बच्चा खतरे में रहता है, इसलिए कंगारू मदर से सटा कर रखे चाहिए। अच्छा दीदी, इससे ऐसे रखने से कंगारू मदर से सटा के रखने का बच्चा का मस्तिष्क मतलब दिमाग बढ़ता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। बच्चा को आगे विकास मतलब बढ़ता है और माँ का भी मतलब संतुष्टि रहता है, बच्चा सुरक्षित रहता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहता है और परेशानी भी नहीं रहता, बढ़िया रहती ना दीदी, स्वस्थ रहते हैं। कंगारू देखभाल से बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है। जिस दिन बच्चा जन्म लिया दीदी उसके बाद से तीसरा दिन या उसमें ध्यान रखना है कि मतलब कि बच्चा का नाल कैसा है उस पे कुछ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं देना है, समझ गए, और ना कुछ उसमें छूना है, छूने से ही इन्फेक्शन लगता है। इसके लिए मतलब कि सातवां दिन या तीसरा जन्म के तीसरा दिन जन्म के सातवां दिन के बाद मतलब जा करके अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सरकारी डॉक्टर में आओ, किसी को मन नहीं भरता है सुइया पर है जहां ना या तो प्राइवेट है या तो एएनएम नर्स भी आती है उपकेंद्र में आती है तो उससे मतलब चिकित्सा से दिखवा दे कि मेरा मतलब बच्चा कैसा है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में फिर मतलब कि यह है कि इसे बच्चे को अच्छा तरह से रखना है लेकिन नाल पे कुछ भी नहीं चढ़ाना। अच्छा, जो नारियल का टोकरा पर ना चढ़ा, उसमें देखना है तीसरा दिन सातवां दिन के मेरा बच्चा को पेट कैसा है, पेट भी फूलता है। अच्छा, कोई अच्छा। कहता है कि माँ का दूध ढाकरा पी रहा है तो उससे पेट फूल जाता है, लेकिन ये सब गलत है। और जन्म के समय तुरंत माँ का दूध पिलाना चाहिए। और कोई कहता है ना कि से जीवी पेंट चढ़ा दें, मतलब बोलता है जो नीला रंग का दवाई होता है उसका इंग्लिश में जीवी उसका इंग्लिश में मतलब बोलते हैं जीवी पेंट बोलते हैं, वो नहीं चढ़ाना है। अच्छा, ना चढ़ा के नहीं, उसको नहीं चढ़ाना, उसको मैं ठेकना ही नहीं, अपने आप नल गिर जाता है। एक बात और ध्यान रखना है दीदी, बच्चा को जब देखिएगा कि मतलब रो रहा है, पेट फूल गया या किसी तरह से ज्यादा रो रहा है तो चिकित्सक के पास ले जा, ये ना कि हम झाड़ फूक में समय बिता दे। अच्छा। इसमें समय बिता देते हैं और ज्यादा बच्चा को परेशानी बढ़ जाता है, ज्यादा भींग जाता है तो आप चिकित्सक के पास ले जाते हैं। माने डॉक्टर अरे भी जो ले जावे, नजर गुजर नहीं झाड़ना है। अच्छा। ताकि छोटा बच्चा का नजर लगता ही नहीं है। हम पहले सुना मैया पापा के लाग जाए नजर, तो हम सोचिए आप डॉक्टर ही ले जाए, नहीं डॉक्टर के कुछ भी परेशानी हो बच्चा को किसी तरह से तो चिकित्सक के पास दे, उनको माँ पर भी ध्यान रखना है कि रक्त स्राव ज्यादा तो नहीं हो रहा। अच्छा, है अच्छा। रक्त स्राव मैंने जो समझ रहे हैं ना, हाँ दीदी, ब्लीडिंग मतलब कि ज्यादा नहीं हो, बच्चा होगा ना तो 20 दिन जो खून पानी गिरा है ना। दीदी, आपको आशा दीदी ने कुछ जरूरी बातें जो थी वो बता दी हैं। हाँ दीदी, और उनके जाने के बाद जो भी बात बची हुई है वो हम बता देते हैं। बताओ ना दीदी, जैसे अब दीदी को खाने के लिए आप क्या क्या देते हैं? अब तो जे घर में दाल सब्जी सब जे रहा इसे तो दे ही दीदी, और अब आ जाए फल फूल तो दे ही, और ना रहे तो ना भी दिए। तो आपको खाने में दीदी ये सब देना है, जो चावल है थोड़ा सा चावल दीजिए। अच्छा। एक रोटी दीजिए, या एक रोटी या दो रोटी जो भी इनको खाने का इच्छा हो। अच्छा, वो दीजिए। दाल दीजिए। हाँ। सब्जी, हरी सब्जी दीजिए। अच्छा दीदी। और फल दीजिए, दूध दीजिए एक गिलास, इनको ये जरूरी देना है। अच्छा। इनको प्रतिदिन इतना चीज खाना में दीजिए तो इससे वो स्वस्थ रहेंगे। अच्छा। और उनको बीमारियों से भी लड़ने की ताकत मिलेगी, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध देना है, जिसमें बच्चा का दिमाग तेज होता है, बच्चा कमजोर नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। हाँ दीदी। और अगर बीमार नहीं होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमको कोई चिंता नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा, वो भी बीमार नहीं पड़ेगा, कमजोरी में ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा। और बच्चा जितना चाहे माँ का दूध पिए, उससे बच्चे को भी फायदा है, माँ को भी फायदा है। अच्छा। माँ को ये फायदा है कि माँ अगर बच्चा को जितना भी दूध पिलाएगी, माँ गर्भवती जल्दी नहीं होगी, बच्चे दाने सिकुड़ता है उससे। अच्छा, उसके बाद
उसको उनको रोगाणु नहीं होता है जल्दी, और फिर वो जल्दी उनका दूध ज्यादा ही बनता है, खून नहीं गिरता है। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ दीदी ठीक है, बताओ ठीक, आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। हाँ रखबे की ठीक है दीदी। हाँ दीदी ठीक है दीदी। हमने तो बाड़ी गांव गरों में अल बल कह दे हल्थू बोरा सत्रह जही में फंसर आ लियो, तो उन्हें तो असो दीदी अल्थू से बेसे बेसे बहुत बताइल थू, और तू हूँ अला से बढ़िया से सब बतैला, ये सबके जानकारी हो गल से भी बड़ी खुशी है। अब ऐसा ही जैसे बतैला हो वैसा ही लैकन के रखम भी, और भी आगे कुछ जानकारी हो तो जानकारी दी है दीदी, जानकारी हमारा आपके घर दे दी है। ठीक है दीदी, हम तो जानकारी देने के लिए ही है, आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे कोई चीज की दिक्कत हो हाँ, अगर हाँ, कुछ हाँ, पूछना हो तो हमसे जानकारी ले लीजिए। अच्छा दीदी ठीक है, ठीक है दीदी। और अगल बगल भी अगर किसी को जानकारी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आप भी बताइएगा, अगर आपसे नहीं समझे तो फिर तो हम ही हैं बताने वाले। हाँ ठीक तो, है दीदी, तो अब धन्यवाद। हाँ धन्यवाद दीदी।